दुख दर्द गुस्सा एम्बेरसमेंट सेल्फ डाउट गिल्ट रिग्रेट ये सब मैंने फील किया था जब मैं सी ए फाउंडेशन में फेल हुआ था वेलकम टू द चैनल गाइज आई एम सचिन कुमार राय सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट रिसेंटली सी ए फाउंडेशन क्लियर किया है एंड दिस इज माई सी एंडेशन फेलियर स्टोरी आई एम एक्साइटेड आर यू इफ आई बी ऑनेस्ट बिथ्यू मैं इस कोर्स यानी कि सी ए कोर्स या फिर तुम सी ए प्रोफेशन बोल लो इसके बारे में मुझे क्लास टेन तक कुछ आइडिया नहीं था इट वॉज अंटिल क्लास इलेवन जब मैं पहली बार सी ए के बारे में सुनता हूँ सीए कोर्स के बारे में सुनता हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहां तुम्हें मुश्किल से कोई प्रैक्टिसिंग सी ए मिलेगा और जहां तक बात है सीए पर करने वाले स्टूडेंट्स की तो उनका नंबर उनसे भी ज्यादा कम है खैर क्लास एलेवन ट्वेल्व से ही मैं क्लियर हो गया टीचर्स के थ्रू मैंने इस प्रोफेशन के बारे में जाना और मैं तभी से क्लियर हो गया कि एक बार एटलीस्ट लाइफ में के लिए प्रिपेयर जरूर करूँ मैं क्लास ट्वेल्व की उस बैच से हूँ जिन्होंने क्लास ट्वेल्व के एग्जाम दिए बगैर ही क्लास ट्वेल्व पास किया था तो जब क्लास ट्वेल्व के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हुए उसके अगले दिन ही मैंने आई आई में खुद को रजिस्टर किया रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लासेस परचेस करें शुरुआत के चार पाँच हफ्ते बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, i make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat, part time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. making an MC into a wide eyed lunatic. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट जो सी ए फाउंडेशन के लिए रहे करें उनका भी स्टार्टिंग का दो तीन हफ्ता बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है उसके बाद उनका कंसिस्टेंसी गिरने लगता है कई दिन ऐसे भी गए जहाँ मैं दिन भर वेब सीरीज के एपिसोड देखते रहता और एक भी लेक्चर नहीं अटेंड करता था कई दिन ऐसे भी गए जहां मैं अपने आपको कोर्स का टाइम वेस्ट करने के लिए लेकिन पढ़ने नहीं बैठता मैं पहले चार पांच हफ्ते में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था फिर डिस्ट्रैक्शन वगैरह के कारण में फिर से ऑफ ट्रैक हो गया लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आने में एक डेढ़ महीने का समय बचा था मैंने अपनी गाड़ी फिर से पटरी पर लाई और फिर से क्लासेस अटेंड करने लगा रेगुलरली दिन भर में हर सब्जेक्ट के दो, दो तीन तीन लेक्चर्स लगा लेता नॉर्मल स्पीड में देखने का तो आदत ही नहीं था वन फिर फाइव एक्सपू स्पीड पर भी लेक्चर देख लेता लेकिन ये सारे एफर्ट सफिशेंट नहीं थे बचे हुए एक महीनों में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो हुआ क्या मेरा एग्जाम से दो हफ्ते पहले तक भी मेरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं था तो मैंने डिसाइड किया जितना हुआ है उसी को रिवाइज करूंगा बस उतना ही एग्जाम में अटेम्प करूंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हुए इस मोमेंट तक मेरा ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट सिलेबस कंप्लीट था मैंने सिर्फ अकाउंट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस किया था बाकी सब्जेक्ट्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने किसी भी सब्जेक्ट का आर टीपीस एम टी पीस ईयर पेपर किसी भी सब्जेक्ट का नहीं किया था बस लेक्चर लिया था लेक्चर के दौरान जो भी टीचर ने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाए थे बस वो किया था उसके अलावा कुछ नहीं और ये आने वाले दो हफ्तों में मैंने जितना मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था उसको रिवाइज किया और हर सब्जेक्ट का आर में से सेलेक्टेड टॉपिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद वैसे एग्ज़ाम देने गया एग्जाम देने के बाद मैं ऐसे सिचुएशन में था कि मैं ये भी श्योर नहीं था कि मैं पास हो रहा हूँ या फिर फेल एकदम फिफ्टी फिफ्टी चांसेस था मेरा पास होने का या फिर फेल होने का जो एग्जाम और रिजल्ट्स के बीच में जो टाइम मिलता है हर स्टूडेंट्स को तो मैं ये बीच का टाइम उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने में टाइम इन्वेस्ट किया जो चैप्टर मुझे डिफिकल्ट जाते थे और उन सभी चैप्टर्स को भी कवर किया जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान कवर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता था अगर फेल होता हूँ तो मुझे फिर से पढ़ना है तो क्यों नहीं आज से ही पढ़ू अगर पास भी होता हूँ एटलीस्ट पढ़ लूंगा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा ये सोच के मैंने इस टाइम ड्यूरेशन में वो सारे चैप्टर्स कवर करे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलेवें फेबर या फिर टेंथ फेब्रवरी ट्वेंटी को रिजल्ट आता है दिसंबर आइटम वालों तो मैं नर्वस होता हूँ ठीक है उतना नर्वस क्लास ट्वेल्व फिर क्लास टेन के रिजल्ट देखने का टाइम भी नहीं था सिंस मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं अपना रिजल्ट रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था तो so, मैंने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है जैसे है मैंने अपना रिजल्ट देखा देखता हूँ कि मैं फेल टोटल 198 स्कोर किया था और लॉ और मैथ्स में दोनों में ही 40 से कम आए थे टोटल 198 आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया ठीक है बहुत ज्यादा अपसेट हो गया जिसके कारण मैंने वो रिकॉर्डिंग कभी भी अपलोड नहीं किया इनफैक्ट मैंने जैसे रिकॉर्ड किया उसके बाद मैंने उसको रिप्ले करके देखा भी नहीं डायरेक्ट डिलीट कर दिया क्योंकि फेल होने के बाद इतना ज्यादा बुरा फील होता है ना ये फीलिंग में दस और ऐसे वीडियोज़ बना के भी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा तो फिर बस इस टॉपिक पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ अगर तुम इसके आगे भी सुनना चाहते हो तो जस्ट कमेंट कर देना मैं किसी एक वीडियो में इस बारे में भी डिस्कस कर दूंगा तो फिर बस इस वीडियो के लिए किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ